इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये है ना कि वो जिंदा है। वो जो रिपोर्ट आई है बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसमें जो कुछ भी लिखा है सच लिखा है कि गुलशन शाह शहर में है और जिंदा है। उसके जितने भी करीबी लोग थे, उसके साथ जो जो लोग भी काम करते, उसके एक एक कार्यकर्ता सबको हिरासत में लीजिए, क्योंकि अगर मैं पुलिस के हाथ लग गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। राकेश तक पहुंचने की कोशिशों में लगी है और इस कोशिश में वो सुंदर को मोहरा बनाकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहती है। रितिका, कैसे हो मानस? ठीक हूँ। मानस भैया कैसे हो? मैं ठीक हूँ साक्षी, तू कैसी है? राकेश के बारे में जो कुछ भी हमें पता चला है, मुझे ये लगता है कि ये सारी साजिश गुलशन शाह की है। लेकिन बहुत जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी। राकेश जिंदा है और ये बात तुम जानती थी? हाँ मानस, मुझे पता है कि वो जिंदा है, लेकिन वो जो मेरे बारे में बातें कर रहा है मुझे समझ में नहीं आता। मानस, वो जब एक एटीएस ऑफिसर था ना, तब भी साजिश का शिकार बना था। और आज जब वापस लौटा है, तब भी साजिश का शिकार हुआ है। रितिका, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम एक बार जाके उससे मिलो। उससे खुल के बात करो रितिका। नहीं मानस, वो नहीं मिलेगा मुझसे और मैं भी नहीं मिलना चाहती उससे। हाँ लेकिन मैंने जो प्रण किया था उसे लेकर मैं उसे पूरा जरूर करना चाहूंगी। कम से कम एक माँ बाप को उनका बेटा तो मिल जाएगा। भाभी, भैया मुझे आप दोनों के बीच में बोलना पड़े ये ठीक नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। पर आज भाभी मुझे आपके पास इसीलिए लाई है कि मैं आपको समझा सकूं। भैया कि लास्ट टाइम की तरह जैसे आप कोर्ट में चुप रह गए थे, इस बार चुप मत रहिएगा प्लीज। जो भी सच्चाई है भैया, सब कुछ साफ साफ बता दीजिए प्लीज। हाँ मानस, वादा करो मुझसे कि अब तुम खामोश नहीं रहोगे, सच्चाई बताओगे अदालत में। और जब गुलशन शाह की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है तो तुम पर जितने चार्जेस लगे थे वो सब कमजोर हो चुके हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें जमानत जरूर मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें अपने आप को बेगुनाह कहना होगा। सच्चाई बतानी होगी अदालत में, मुझसे वादा करो। वादा करो कि तुम खामोश नहीं रहोगे, बोलोगे अपने बारे में।
मानस प्लीज, कम से कम मेरे लिए वादा कर लो। प्लीज मानस, भैया मैं एक मिनट में आई। देखिए फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो साक्षी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ राहुल बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दरअसल राहुल मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, ऐसी बातें करनी है जिसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। मुझे भी ऐसे लगता है साक्षी कि मेरे दिमाग में जो सवाल घूम रहे हैं उनका जवाब शायद तुम दे सकती हो। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। ये समझाने के लिए तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अभी सबको पता है कि राकेश भैया जिंदा है और उन तक पहुंचने की कोशिशें जारी है। मैं दुश्मनी की हकीकत जानना चाहता हूँ कि रितिका और उसके जस्टिस पिता आदित्य प्रताप नारायण क्यों मेरे भैया को मौत के मुंह में पहुंचाना चाहते हैं। मैं दुश्मनी की हकीकत जानना चाहता हूँ कि रितिका और उसके जस्टिस पिता आदित्य प्रताप नारायण क्यों मेरे भैया को मौत के मुंह में पहुंचाना चाहते हैं। गलत कह रहे हैं, कोई भी राकेश को मौत के मुंह में पहुंचाना नहीं चाहता। बस हमेशा की तरह इल्जाम लगा रहे हैं आप उस पर। अगर महज ये इल्जाम है तो राकेश तक पहुंचने के लिए इतने गलत रास्ते क्यों इख्तियार किए जा रहे हैं? घूम फिर कर क्यों हर बात मेरे परिवार पर आ जाती है? अगर गुलशन शाह के जिंदा रहने की खबर मिलती है तो मोहतरमा कलेक्टर साहिबा को कोई दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई देता है तो सिर्फ मेरा साला सुंदरलाल, जिसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स मोहतरमा कलेक्टर साहिबा ने जारी कर दिए हैं। Why? देखिए, अगर उसने ये ऑर्डर दिया है तो जरूर कुछ देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, इसलिए ऑर्डर पास किया है। सिर्फ एक बात समझ में आती है कि वो किसी भी तरह राकेश तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि राकेश को गिरफ्तार करके फिर उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया जाए। फिर गलत कह रहे हैं। अगर राकेश तक पहुंचने के लिए सुंदर को गिरफ्तार करवाना होता तो रितिका ने एक कदम बहुत पहले उठा लिया होता। आज अगर सुंदर को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है तो उसकी वजह राकेश नहीं है बल्कि गुलशन है, क्योंकि प्रशासन गुलशन तक पहुंचना चाहता है। जज साहब, आप खामखा बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश्वर जी, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसे सजा तो मिलेगी, चाहे वो आपका बेटा हो या मेरा बेटा। मुजरिम मुजरिम होता है, उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, मुजरिम को सजा जरूर मिलनी चाहिए चाहे वो किसी का भी बेटा हो। लेकिन एक बात तो तय है जज साहब कि आप मेरे बेगुनाह बेटे को किसी ना किसी तरीके से मुजरिम साबित करके उसे दोबारा फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाह रहे हैं। लगता है आप वो भूल गए जो मैंने आपसे कहा था। कल तक आपका बेटा बेगुनाह हो, लेकिन आज वो जुर्म की दलदल में पांव रख चुका है। जज साहब, बड़े अफसोस की बात है,
बड़े अफसोस की बात है कि आप सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और इस बार भी आप सिर्फ झूठ का सहारा ले रहे हैं, सिर्फ झूठ का। सच को मानने से इनकार कर रहे हैं आप, ठीक कीजिए, लेकिन जिस दिन ये बात हकीकत बनकर आपके सामने आएगी ना, उस दिन आप बहुत पछताएंगे। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए आपको फोन किया है कि मोहतरमा कलेक्टर साहिबा ने सुंदर की गिरफ्तारी की ऑर्डर देकर शराफत की सारी सारी हदें पार कर दी हैं। कानून की हद में रहने वाले कभी हदें पार नहीं करते। अगर आपके साले सुंदर ने जुर्म किया है तो उसे सजा तो होगी। वो जुर्म में तो शामिल नहीं है, लेकिन मोहतरमा कलेक्टर साहिबा की नजरों में वो मुजरिम इसलिए है कि वो मेरे परिवार का सदस्य है और मेरा वफादार है। वफादार? अपने दिमाग को जरा खर्च कीजिए राजेश्वर जी, और जरा सोचिए कि आप जिसे वफादार समझ रहे हैं कहीं वो आस्तीन का सांप तो नहीं, जो एक दिन आपको ऐसे डसेगा कि आपके खुश हो जाएंगे। सोचिए सोचिए, क्योंकि दोबारा आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। कि आप जिसे वफादार समझ रहे हैं कहीं वो आस्तीन का सांप तो नहीं, जो एक दिन आपको ऐसे डसेगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। सुंदर, अरे आप सोच सोच कर क्यों परेशान हो रहे हैं जमाल भाई, बस चुप्पी साधे रहिए और आराम से बैठे रहिए, सच्चाई का पता आपको खुद ब खुद लग जाएगा। कैसे खामोश रहूं? कल तक तो मैं सोचता था कि गुलशन भाई नहीं रहे, लेकिन आज ये खबर आ रही है कि मरने वाला कोई और था, गुलशन भाई जिंदा है। आखिर सच्चाई क्या है, आपको तो पता होगा ना? कुछ बातें वक्त के साथ खुले तो बेहतर है। फिलहाल आप इस मामले से अलग हैं तो खुद को अलग ही रखिए ना, चलती गाड़ी में क्यों कूद रहे हैं? आराम से बैठे रहिए, वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ खुद बखुद बता दूंगा। लेकिन भाईजान, असल में अलग तो आप लोग रह गए। आराम से बैठे रहिए, वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ खुद बखुद बता दूंगा। लेकिन भाईजान, असल में अलग तो आप लोग रह गए। पुलिस और प्रशासन के लपेटे में तो मैं आ गया, कार्रवाई तो मेरे खिलाफ होने वाली है। अरे बिला वजह परेशान हो रहे हैं आप जमाल भाई, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, थोड़ा धीरज से काम। ठीक है, मैं तुमसे बातें बात करता हूँ। ओके भाई। मामा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, गुलशन शाह जिंदा है? कि कैसे हो सकता है मामा, हमने तो फूल प्रूफ प्लानिंग की थी उसे उड़ाने के लिए, फिर वो बचा कैसे? बेटा इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ कि गुलशन शाह बच कैसे गया, यही बात मुझे भी परेशान कर रही है, और इसलिए तो मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तो समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन बेटा वो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को झुटलाया भी तो नहीं जा सकता ना। तो जाइए जाइए, पता लगाइए कि सच्चाई क्या है, गुलशन बच कैसे गया। बस बेटा, इसी बात का पता मुझे भी लगाना है कि गुलशन शाह कैसे बच गया। अब पता लगाने के लिए मैंने अपने आदमी ऑलरेडी भेज दिए हैं। मैं जानता था भांजे कि इस खबर से सबसे ज्यादा परेशान तुम ही होगे, इसीलिए तो मुझे आना पड़ा ताकि तुम्हें शांत कर सकूं। शहर में दंगे हुए, मानस पे इल्ज़ाम लगा क्योंकि हमने अपने चैनल पे उसकी फुटेज दिखाई थी, तो हमारा चैनल बंद कर दिया गया। शमशेर की हत्या हुई तो उसका इल्ज़ाम मानस पे लगा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब गुलशन की मौत हुई है तो उसका जिम्मेदार भी मानस को बताया जा रहा है। लेकिन बड़े पापा, गुलशन शाह की मौत के लिए तो मुझे जिम्मेदार ठहराया गया था ना। बहू तुम ऐसा बोल सकती हो क्योंकि तुम कलेक्टर हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज
कमजोर हो चुकी है, जिन्हें सच और झूठ के बारे में अब पता नहीं चलता है। नहीं बड़े पापा, ऐसा नहीं है। सच तो यही है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे मानस को गिरफ्तार नहीं होना पड़ता, इतने दिन लॉकअप में नहीं रहना पड़ता। और अब भी पता नहीं कि कानून का फैसला क्या होगा। माँ जी, गलतियां कभी कभी किसी से भी हो जाती हैं, और फिर कानून को साजिश रचकर किसी भी काम के लिए मजबूर किया जाए तो मजबूरी में ही सही, कानून तो अपना काम करेगा ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपना फर्ज भूल जाए, अपना काम करना भूल जाए, इंसाफ करना भूल जाए। तुम कानून की बात करती हो तो मुझे बहुत अजीब लगता है। अगर किसी साजिश में फंसकर मेरे बेटे को सजा सुना दी जाती है तो उसका गुनाहगार कानून नहीं है? नहीं माँ जी, गुनहगार कानून नहीं, गुनहगार वो लोग हैं जिन्होंने साजिश रची है। मैं अभी भी कहती हूँ कि कानून अपना काम करता है, देर से ही सही, लेकिन सच्चाई सामने जरूर आती है। अब देखिए, सच्चाई सामने आ गई ना कि गुलशन शाह मरा नहीं, जिंदा है। बहु, गुलशन शाह जिंदा है या मर गया है, इसके साथ हमारे मानस के केस का क्या लेना देना। तुम कानून के दायरे में हो इसलिए पता नहीं मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे मानस की गिरफ्तारी भी हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाकामी के कारण हुई है। नहीं बड़े पापा, कभी कभी कानून का पालन करने के लिए कोई बेगुनाह गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज काम नहीं करती है, फेल हो चुकी है। नहीं बड़े पापा, वो काम करती है। और उसका एग्जाम्पल ये है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने ये खुलासा किया है कि गुलशन शाह मरा नहीं है, वो जिंदा है। भगवान करे तुम्हारी बात सच निकले। मुझे यकीन है बड़े पापा, क्योंकि इस केस को सीबीआई हैंडल कर रही है और मुझे सीबीआई पर पूरा भरोसा है। उनकी नजरों से कभी भी कोई सच छुप नहीं सकता, सच्चाई सामने आकर ही रहेगी, अब देख लेना। ठीक है, तुम्हारे इस दावे को भी देखेंगे और देखते हैं कि पुलिस राकेश तक पहुंच पाती है या नहीं। और कानून उसे दोबारा सजा दे पाता है या नहीं। सच ये है कि मेरे भैया को फिर से कानून के जाल में फंसाने के लिए सारा खेल खेला जा रहा है। तुम गलत सोच रहे हो राहुल, बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो। अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो फिर सही क्या है साक्षी? हाँ बता, वो जो कल तक मेरे भाई को बेगुनाह साबित कर ढिंडोरा पीट रही थी, जो कल तक मेरी भाभी थी, आज तुम्हारी भाभी है, वो मेरे भाई को गिरफ्तार कराने के लिए पीछे पड़ी हुई है। बात गिरफ्तारी की नहीं है राहुल, बात सच के सामने आने की है। और जो इल्जाम रितिका भाभी और मानस भैया पे लगाया गया है वो सरासर गलत है, इसीलिए राकेश को सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर राकेश के हिसाब से मानस भैया और रितिका भाभी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है तो आखिर क्यों, किस बुनियाद पे वो ऐसी बातें कर रहे हैं, किसके बहकावे में आके वो ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं जानता हूँ, रितिका ने भी तुम्हारे ऊपर वही जादू किया है जो उसने हमारे ऊपर किया था। ये जादू नहीं है राहुल, ये उनकी अच्छाई है, उनकी सच्चाई है, जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। तुम भी पता नहीं किसकी बातों में आके ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। यानी कि तुम ये नहीं मानोगी कि फिर से मेरे भाई को फंसाने की कोशिश की जा रही है जानबूझकर? हरगिज नहीं। अगर भगवान भी आकर कहे फिर भी मैं ये बात को नहीं मानूंगी। जरा सोचो राहुल, जरा सोचो, अगर रितिका भाभी और मानस भैया ने राकेश को फंसाने की कोशिश की थी, अगर उन दोनों ने राकेश को कानून के जाल में फंसाकर फांसी के तख्ते पर ले भी जाते,
तो ये कहानी राकेश के साथ वहीं खत्म हो जाती। लेकिन रितिका भाभी ने ऐसा नहीं किया, उनको राकेश को सिर्फ बेगुनाह साबित करना था, उनके माथे पर से कलंक मिटाना था, और यही उनकी जिंदगी का मकसद बन गया था। और इसी मकसद की वजह से वो आईएएस ऑफिसर बनी, ताकि वो राकेश को कानून के सामने बेगुनाह साबित कर सके और उन लोगों का पर्दाफाश कर सके जो जो कानून के दुश्मन बने हुए हैं। और तुम रितिका भाभी को ही गुनेगार ठहरा रही हो। तुम्हें पता है आज रितिका भाभी के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही है कि राकेश अगर जिंदा है तो आखिर क्यों वो उनके बारे में ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी गलत बातें कर रहा है। इसीलिए रितिका भाभी राकेश से मिलना चाहती है, और अगर रितिका भाभी राकेश से नहीं मिल सकी तो तुम राकेश से मिलो और तुम पूछो उनसे कि आखिर क्यों वो इस तरह की बातें कर रहे हैं रितिका भाभी और मानस भैया के बारे में, किस आधार पर वो उन्हें गुनेगार ठहरा रहे हैं, क्यों? ठीक, अगर ऐसा है तो पहले मैं अपने भाई से मिलूंगा और फिर मैं तुमसे बात करूंगा। मैं जानता हूं रितिका ने भी तुम्हारे ऊपर वही जादू किया है जो उसने हमारे ऊपर किया था। जाने कि तुम ये नहीं मानोगी कि फिर से मेरे भाई को फंसाने की कोशिश की जा रही है जानबूझकर।